हेलो गाइस, आई एम आशीष सर। जैसे कि इसके प्रीवियस लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंतर्गत सिस्टम सॉफ्टवेयर, रियल टाइम सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, ये सब सॉफ्टवेयर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसी के फर्दर आगे बिजनेस सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये बिजनेस सॉफ्टवेयर, साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर, ये सब के बारे में डिस्कस करते हैं। BCA फोर्थ सेम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंतर्गत फोर्थ नंबर पे बिजनेस सॉफ्टवेयर बिजनेस सॉफ्टवेयर क्या होता है? बिजनेस सॉफ्टवेयर इज अ लार्जेस्ट एप्लीकेशन एरिया। जैसे बिजनेस सॉफ्टवेयर इज यूज टू द प्रोसेस वेरियस बिजनेस फंक्शंस, दैट इज पेरोल, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बिजनेस एप्लीकेशन इज अ लार्जेस्ट एप्लीकेशन एरिया एरिया बिजनेस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू प्रोसेस वेरियस बिजनेस फंक्शन दैट इज पेरोल सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम, एंड एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। डाटा वेयर हाउस, डाटा वेयरहाउसिंग इज ऑल्सो इम्प्लॉय अंडर दी बिजनेस डोमेन। एग्जाम्पल, जैसे MIS का फुल फॉर्म क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक, ERP इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बिजनेस सॉफ्टवेयर समझ में आया। फिफ्थ नंबर पे डिस्कस करते हैं इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर।
इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर। इट इज यूज टू प्लेटफॉर्म द हाई इट इज यूज टू प्लेटफॉर्म द हैंड कंप्यूटेशन। ठीक, इसमें एग्जांपल है मैटलैब, NH2, CAD, CAM, packages, circuit, analyzer, सर्किट एनालाइजर। सिक्स नंबर पर्सनल सॉफ्टवेयर। पर्सनल सॉफ्टवेयर में क्या क्या आएगा, जैसे इट इज यूज इन द पर्सनल कंप्यूटर, टू सेटिस्फाइड द लो लेवल ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूजर। एग्जाम्पल वर्ड प्रोसेसिंग ग्राफिक्स मल्टीमीडिया गेम्स ईटीसी। वेब सॉफ्टवेयर, इट इज यूज टू कंट्रोल द वेरियस एप्लीकेशन व्हिच आर रनिंग on the internet। CGI means common gateway interface। ठीक, HTML
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक नंबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन दी एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन सिंबॉलिक कंप्यूटेशन आर परफॉर्म्ड रादर देन न्यूमेरिक कंप्यूटेशन। सेकेंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैंग्वेजेस आर यूज टू परफॉर्म द सिंबॉलिक कंप्यूटेशन। एग्जाम्पल LISP लिस्प प्रोलॉग लॉजिक प्रोग्रामिंग ML मेटा लैंग्वेज हैस्केट इतना समझ में आया। द वेरियस एप्लीकेशन आर इम्प्लॉय अंडर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन इज पहला मशीन लर्निंग एग्जाम्पल रोबोट डिजाइन सेकेंड एक्सपर्ट सिस्टम थर्ड आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, फोर्थ डीएसपी एपीसी। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर एंड करता हूँ, इसके आगे नेक्स्ट डेज पे। थैंक यू।